नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज बताने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग मैटर के बारे में, जो कि है ट्रेन के नाम को लेकर। यानी कि हमारे इंडिया में जो भी ट्रेन का नाम रखा जाता है वो कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं रखा जाता है, इसके कोई प्रोसेसर नहीं है कि हाँ इसी कोई रूल्स होगा कि इसी का नाम रखा जाता है। लेकिन फिर भी कुछ इंटरेस्टिंग तरीके हैं नाम रखने का इंडियन रेलवे का, मैं बता दूँ। पहला है कि नेम्स सर्विंग द स्पेसिफिक पर्पस, यानी कि कुछ विशेष उद्देश्य के लिए नाम रखा गया है ट्रेनों का नाम रखा गया। जैसे कि मान लीजिए राजधानी एक्सप्रेस, तो ये क्या करती है ट्रेन की, जो हर राज्य की राजधानी को जोड़ने का काम करती है। गरीब रथ एक्सप्रेस, जिसमें कि आम आदमी के लिए कोई एक लग्जरी ट्रेन होती है, आरामदायक ट्रेन होती है। दुरंतो एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस, ये सब ट्रेनें जो है ये कुछ उद्देश्य के पर्पस बनाया गया है। फिर दूसरा है कि नेम डिपेंडिंग ऑन द पेयर ऑफ स्टेशन, यानी कि दोनों स्टेशन की जो पेयर है उसको देख के बनाया गया। जैसे कि हावड़ा टू कालका, कालका मेल, मुंबई से हैदराबाद, मुंबई एक्सप्रेस, इस तरह से अहमदाबाद हावड़ा, सॉरी अहमदाबाद हरिद्वार, हरिद्वार मेल। उसके बाद आते हैं आपके तीन नंबर, जो डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एरिया, जो कि सिटी या किसी शहर का नाम हो सकता है, किसी शहर का नाम हो सकता है, किसी नदी का नाम हो सकता है, किसी पहाड़ का नाम हो सकता है, माउंटेन हिल का नाम, राजाओं का नाम हो सकता है, या मंदिरों के नाम पर हो सकता है। एक एक करके बताता हूँ। जोधपुर से इंदौर, जैसे कि रणथंभौर एक्सप्रेस, ठीक है, नंदनकानन एक्सप्रेस जो कि उड़ीसा में है, काजीरंगा एक्सप्रेस। उसके बाद आता है नदी के नाम पर, देखिए बहुत अच्छे अच्छे नाम है, कावेरी एक्सप्रेस, शिप्रा एक्सप्रेस, पहाड़ों के नाम पर भी है बहुत सारे, चारमीनार एक्सप्रेस जो चेन्नई हैदराबाद है। एक दिशाओं के नाम पर भी होते हैं बहुत सारे, जैसे कि नई दिल्ली से हावड़ा, पूर्वा एक्सप्रेस। माउंटेन हिल के नाम पर भी बहुत सारे ट्रेन ऐसे हैं, जैसे कि कंचनजंगा एक्सप्रेस जो सिक्किम पर है, आरावली एक्सप्रेस जो राजस्थान के आरावली पर्वत के नाम पर है, ठीक है। इस तरह से बहुत इंटरेस्टिंग नाम के होते हैं। फिर राजाओं के नाम पर होती है, जैसे कि कर्णावती एक्सप्रेस, फिर किसी रीजन के पुराने नाम पर, किसी जगह के पुराने नाम, बुंदेलखंड एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस। फिर आता है किसी दो शहर को जुड़ने के नाम पर है, जैसे कि किसी दो जगह को जुड़ने के नाम पर है, हिमसागर एक्सप्रेस जिसे कटरा से कन्याकुमारी का है। फिर आता है, लास्ट में बताना चाहूँगा, मंदिरों के नाम पर बहुत सारे ऐसे ट्रेन हैं हमारे इंडिया में, जैसे कि काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस, जगन्नाथ एक्सप्रेस। फिर आते हैं कि किसी पुरानी घटनाओं को, आज़ादी से जुड़ी कोई घटनाओं के नाम पर भी बहुत सारे ट्रेन का नाम है, जैसे कि चोरी चोरा एक्सप्रेस, जलियान वाला बाग एक्सप्रेस। इस तरह से इंडियन रेलवे के जो नाम पड़ता है ट्रेनों का, ये बहुत अलग अलग तरीक़ों से रखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो उम्मीद भी अच्छा लगा, इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।